श्रीलंका में जो हालात है वो पूरी दुनिया को पता है इस वक्त कि आखिर श्रीलंका में क्या हो रहा है, कितनी स्थिति खराब है, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, सरकार ने आपातकाल लगा दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? दरअसल लोगों का मानना है कि इसके लिए वहाँ की राजपक्षे सरकार जिम्मेदार है, राजपक्षे परिवार जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम राजपक्षे सरकार और राजपक्षे परिवार क्यों कह रहे हैं, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि आखिर कैसे एक परिवार जो है वो पूरा देश चला रहा है। श्रीलंका की सत्ता में शिखर पर दशकों से राजपक्षे परिवार का राज है। राजपक्षे परिवार के चार भाई श्रीलंका की सत्ता पर राज कर रहे हैं। जिन पर आरोप लगते हैं वो निरंकुश शासक बन बैठे हैं और उन्होंने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। राजपक्षे परिवार की नीतियों और निरंकुशता के कारण बर्बाद हो गया श्रीलंका, ऐसा उस पर आरोप लगता है। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की क्षेत्रीय राजनीति से अपनी शुरुआत की थी। साल 2005 में महिंदा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद राजपक्षे परिवार के लोग सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो गए। महिंदा राजपक्षे ने अपने छोटे भाई और तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। उन्होंने अपने एक और छोटे भाई बासिल राजपक्षे को राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। साल 2010 में वो फिर से राष्ट्रपति चुने गए। सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे को भी सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वो कई बार मंत्री रहे हैं। इसे लेकर राजपक्षे परिवार पर परिवारवाद, निरंकुशता और सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल का आरोप जो है वो लगता रहा है। एक वक्त कहा जाने लगा कि राजपक्षे परिवार देश की 70% बजट पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है और इसको लेकर उन पर बहुत आरोप लगे। इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच साल 2015 का राष्ट्रपति चुनाव महिंदा राजपक्षे हार गए, लेकिन साल 2019 में फिर से राजपक्षे परिवार श्रीलंका के सबसे बड़े पद पर काबिज हुआ। इस बार महिंदा राजपक्षे के भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुने गए। उनके सत्ता में आते ही महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री चुन लिए गए। यानी यहीं पर भाई जो है पदों का हेरफेर होता रहा लेकिन परिवार सत्ता में बना रहा। गोटाबाया के भाई बासिल राजपक्षे फिलहाल श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं और चमल राजपक्षे कृषि मंत्री हैं। चमल साल 1989 से ही श्रीलंका के सांसद हैं। महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे श्रीलंका के युवा और खेल मंत्री हैं, जबकि राजपक्षे परिवार से लगभग 7 लोग ऐसे हैं जो श्रीलंका के सत्ता के बड़े पदों पर काबिज हैं। जिसे लेकर विपक्ष सहित जो तमाम लोग हैं उनमें गुस्सा है। गोटाबाया राजपक्षे पर भी निरंकुशता के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा भी आरोप लगा है कि जो भी मंत्री उनकी नीतियों की आलोचना करता है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब बताते हैं कि आखिर कौन कौन जो है इस वक्त जो बड़े चेहरे हैं राजपक्षे परिवार के वो सत्ता में है। सबसे पहले महिंदा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री हैं, 76 साल की उम्र है और ये सबसे बड़े वहाँ के नेता हैं। सबसे बड़े कहा जाता है कि ये वहाँ के करिश्माई राजनेता हैं। इसके बाद बारी आती है गोटाबाया राजपक्षे की। वो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, 72 साल इनकी उम्र है। इसके बाद बारी आती है बेसिल राजपक्षे की। ये वित्त मंत्री हैं और श्रीलंका के वित्त मंत्री जो हैं ये 70 साल के हो गए हैं और ये भी राजपक्षे परिवार के हैं। इसके बाद बारी आती है चमल राजपक्षे की। ये हैं उप रक्षा मंत्री और इनकी उम्र जो है वो 89 साल है। इसके बाद आता है नाम नमल राजपक्षे का। ये खेल मंत्री हैं जो 35 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। और इसके बाद ये जो है महिंदा राजपक्षे के सबसे बड़े पुत्र है। इसके बाद आता है पृथ्वी राजपक्षे का। पृथ्वी राजपक्षे जो हैं वो भी मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की चेयरमैन है और चेयरमैन है श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी की भी। ऐसे कई बड़े नाम हैं जो इस वक्त सबसे ऊपर हैं राजपक्षे परिवार के वहाँ की राजनीति में, वहाँ के सत्ता नियंत्रण में। अब बात करते हैं श्रीलंका में लगे आपातकाल की। श्रीलंका में आपातकाल और विदेशी मुद्रा संकट के चलते केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने भी अपना पद छोड़ दिया था। आपको बता दें कि ये जो शुरुआत है वो 2019 से हो गई थी। अब लोग कहते हैं कि जैविक खेती के कारण भी श्रीलंका में खाने पीने के सामानों की किल्लत हुई। वो कैसे, जरा समझते हैं। श्रीलंका में फिलहाल सभी जरूरी सामानों की एक भारी कमी है। 1 किलो चावल के लिए लोगों को 500 श्रीलंकाई रुपए देने पड़ रहे हैं और चीनी की भी यही हालत है। फल और सब्जियां निम्न और मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर हो गई हैं। सब्जियों की कीमत हजारों रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में आम लोग अब इनका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। ब्रेड इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब लोग इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं, तो खाने का सवाल ही नहीं उठता है और लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। श्रीलंका के कई लोग देश छोड़कर पड़ोसी देश भारत आ रहे हैं। गंभीर खाद्यान्न संकट के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की खराब नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। अप्रैल 2021 में श्रीलंका की सरकार ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कृषि में अचानक हुए इस बदलाव से उत्पादन बिल्कुल घट गया। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर जिन किसानों ने खेती की उनका उत्पादन भी बहुत कम हुआ। श्रीलंका के लगभग 90% किसान खेती के लिए जो है वो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स थे उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन सरकार के अचानक इस फैसले के बाद से
उन पर भी भारी बोझ पड़ गया, जिससे फल सब्जियों और अन्य के उत्पादन बिल्कुल जो है वो कम हो गए और देश में सभी जरूरी जो खाने के जो सामान थे उनको बाहर से मंगाना पड़ा, क्योंकि देश में उस वक्त जो है ज़्यादा उपज हुई नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पर इस वक्त भी भारी किल्लत है। श्रीलंका में ईंधन की जो कमी है वो भारी कमी, अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी होने से सरकारी यातायात ठप पड़ा हुआ है और लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि और जिनके पास तेल है वही इस्तेमाल कर पा रहा है, क्योंकि सबके पास अभी इस वक्त पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, क्योंकि ईंधन तेल ना होने से कई पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। जहां तेल मिल रहा है वहां सेना की मौजूदगी है, ताकि भीड़ के कारण किसी तरह का अव्यवस्था वहां पर ना पैदा हो, इसके लिए तैनात किया गया है। हाल ही में श्रीलंका में तेल की लंबी लाइन में खड़े दो लोग जो हैं वो आपस में लड़ गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। देखिए, कुल मिलाकर जो हमने आपको खबर बताई वो ये थी कि इस वक्त जो पूरा परिवार है वो एक पूरे देश को नियंत्रित कर रहा है, और ऐसे में जब देश की स्थिति खराब होगी तो जाहिर तौर पर उंगलियां जो हैं उसी परिवार पर उठेंगी, और कहा जा रहा है कि श्रीलंका की बर्बादी के पीछे ये परिवार जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है।